बुधवार की सुबह रजौली के फुलवरिया डैम में एक महिला व चार बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। चार शवों में एक महिला व दो लड़की व एक लड़के का शव मिला है। मृतक महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष, दो लड़की 10 व 8 वर्ष व लड़का 6 वर्ष के लगभग है। महिला व एक लड़की के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। साथ ही महिला के पास एक मोबाइल मिला जो स्विच ऑफ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि महिला व बच्चों के साथ मारपीट कर उसे फुलवरिया डैम में फेंक दिया गया होगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी सीओ अनिल कुमार दलबल के साथ फुलवरिया डैम पर पहुंचे। चारों शवों को डैम से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक शवों की पहचान नहीं हो सकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह डैम के आसपास के गांव के लोग जब फुलवरिया डैम पर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि डैम में बांध के पास एक महिला व तीन बच्चों के शव पानी में तैर रहे हैं। पास जाकर लोगों ने देखा तो महिला व एक बच्ची का पूरा शरीर पत्थर व दोनों पैर पानी में थे। वहीं दो अन्य बच्चों के शव जिनमें एक लड़का व एक लड़की थी पानी में तैर रहे थे। यह दृश्य देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की। उसके बाद महिला व तीनों बच्चों के शव को पानी से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेजा। समाचार लिखे जाने तक महिला व बच्चों की पहचान नहीं हो सकी थी। आखिरकार वह महिला व तीन बच्चे कैसे फुलवरिया डैम पर पहुंचे, किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई, यह फिलहाल जांच के घेरे में है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात में घटना को अंजाम देकर महिला व बच्चों को डैम में डाल दिया गया हो। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी ने कहा कि चारों मृतकों के शव को बरामद कर लिया गया है। महिला के पास एक मोबाइल मिला जो स्विच ऑफ है। मोबाइल ऑन होने के बाद ही किसी बिंदु पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल वे मामले की जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।